सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके से आई इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां ठेका देसी शराब पर शराब पीने के बाद एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है जिसे लखनऊ रेफर किया गया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। क्या पूरा मामला है, सीधे हम चलते हैं सिधौली के हमारे सहयोगी राजेश यादव हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताए। जी, सिधौली कस्बा ठेका नंबर दो, देसी ठेका शराब ठेका नंबर दो पर आज दोपहर में, जैसा कि चश्मदीदों के ने देखा है, बता रहे हैं कि राकेश कौशल पुत्र राम सेवक निवासी प्रेम नगर उत्तरी, दोपहर में रोज की बात उसने कस्बे के मोहल्ला प्रेम नगर स्थित देसी शराब ठेका नंबर दो पर शराब पी और शराब पीने के बाद काफी देर तक वहीं पर पड़ा रहा और उसके बाद उसको उल्टियां होने लगी। काफी देर तक जब घर नहीं पहुंचा तो उनके परिजन वहां पहुंचे तो उसको गंभीर हालत में देखते हुए सीएससी सिधौली लेकर गए और उसी दरम्यान जब डॉक्टरों ने उसे देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। जी जी, इसके अलावा एक अन्य की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसके साथ क्या कुछ हुआ, वो कहाँ का रहने वाला है? जी ये अहमदपुर जट निवासी एक युवक, और वो भी शराब उसी शराब ठेका नंबर दो पर उसने भी देसी शराब पी थी, जो उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज सीएससी में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। मृतक के परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, मृतक के परिजनों का आरोप है कि जो है ये शराब जो है थी जहरीली है और जहरीली शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, जबकि वहीं पर सीओ यादवेंद्र का कहना है कि जो है शराब जहरीली नहीं थी बल्कि शराब अधिक मात्रा में पी थी लोगों ने, इसीलिए इनकी हालत बिगड़ी है और इसी से इसकी मृतक की मौत हुई है, जबकि जो बीमार है उसका इलाज जो है सीएससी में चल रहा था, इसी दरमियान उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिसे उसको जो है सीएससी से लखनऊ रेफर किया गया है। राजेश जी बताइए कि जो सीएससी में जब जो डॉक्टर थे जिन्होंने युवक का परीक्षण किया और उसे मृत घोषित किया, उन डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है कि शराब जहरीली थी या फिर अत्यधिक शराब पीने से मौत हुई है, क्या कहते हैं डॉक्टर? सीएससी अधीक्षक आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने बताया है कि जो है जो मृतक है जब यहाँ पहुँचा है तो उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि इस पे कुछ भी बताना मुश्किल है। उन्होंने बताया है कि पीएम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जो है शराब जहरीली थी अथवा अधिक शराब पीने की वजह से मौत हुई है, जबकि वही जो महबूब है, जिस जो शराब के नशे में आया था सीएससी, जिसको रिफर किया गया है, उनका कहना है कि हमें यही लग रहा है कि इसने अधिक मात्रा में शराब पी है, हालत इसीलिए इसकी गंभीर है, जिसको जो है लखनऊ रिफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल मृतक के जो परिजन हैं वो शराब जहरीली होने का आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जबकि पुलिस और डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी कुछ भी बता पाना स्पष्ट तौर पर कि मौत का कारण क्या है, जल्दबाजी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ये बड़ी खबर इसलिए निकल के आ रही है कि परिजन कह रहे हैं, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ठेका देसी शराब से शराब खरीद के पी, वो शराब पीने का आदी था मृतक और लगभग रोज ही वो शराब पीता था, कभी कोई शिकायत नहीं हुई, आज अचानक उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, तो उनका सीधे आरोप है कि ये शराब जहरीली थी इस वजह से मौत हुई। मृतक का जो भतीजा है नरेश, उसने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर, क्या आरोप लगाए हैं, आप सुनिए। चाचा हैं ये आपको कहाँ मिले थे? शराब ठेके के ठीक सामने दारू पी के ही इनकी मृत्यु हुई है, शराब जहरीली थी इस कारण जो है इनकी मृत्यु हुई। जहरीली क्या इनके वहीं पे कम से कम दो तीन लोग और जो पड़े थे उसमें से दो लोग उठा करके जा चुके थे, एक लोग को मैं अपने साथ लाया हूँ जिनके मुंह से फेना निकल रहा था और उसके साथ में पानी भी उन पर डाला गया और उनका फेना कम नहीं हुआ तो जो है एम्बुलेंस लाई है और इनको हम टेम्पो से उठा करके लाए कि इस शराब से ही इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर ने कहा कि पीएम कराइए तभी जानकारी होगी। हाँ, इससे पहले भी पीते थे कम से कम दो क्वार्टर के, बस आराम से जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। ये आज सुबह जो है लखनऊ से आए हैं और हमें जानकारी लमसम हुई है 1:30 बजे के समथिंग, जो हमें जानकारी हुई मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा ठेका के बिल्कुल ठीक सामने पर है। ये ठेका डॉक्टर पंवार के ठीक सामने है।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।